Good morning, students. Today I will teach you the English language. The chapter number 9, The Ransom of Red Chief, page number 122. तो टू डिस्परेट मैन को जो एड्रेस किए जो लेटर लिखाया गया जेंटलमैन आई रिसीव यूर लेटर आई थिंक द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन इज लिटिल हाई I hereby make you a counter proposition which I am sure you will accept. तो टू डिस्पेट मैन को एड्रेस किए वो जेंटलमैन ने कहा कि हम तुम्हारे लेटर रिसीव किए और तुम जो हमारे बेटे को जो लौटाने के लिए जो सेट दिए हो तो उसका एक ऑल्टरनेटिव वे हम बता रहे हैं हम ये श्योर हो रहा है कि तुम लोग ये एक्सेप्ट करोगे You pay me $250 in cash and I agree to take Johnny off your hands. अगर तुम लोग $250 हमको कैश दो तो हम Johnny को तुम्हारे हैंड में दे देंगे Johnny means उसका बेटा But bring him a midnight so that the neighbors don't stop you. But midnight में ये होना चाहिए क्योंकि नेबर लोग ये जान नहीं पाएंगे Yours faithfully, Edward Dorset. तो उसका वो जॉनी का जो पापा है उसको वो टू डिस्परेट मैन को लेटर लिखा द चिक आई बिगैन बट चिक मीन्स हियर यूज टू रेफर द रूड बिहेवियर बट आई ग्लैंस्ड एट बिल एंड हेजिटेड हिज आईज आर प्लीडिंग विथ मी तो ये बिल बहुत ही सुनकर बहुत ही एंग्री हो गया और वो बहुत हेजिटेट भी करने लगा उसका जो आईज था वो बहुत ही भयभीत हो गया था सैम सेज ही वो मुझको कहा वी हैव गॉट द मनी दिस किड विल ड्राइव मी क्रेजी हम लोगों को मनी चाहिए बस ये जो बच्चा है हमको पागल बना के रखेगा आई थिंक मिस्टर डॉजर्ट इज ए जेनरस फॉर मेकिंग सच एन ऑफर डोंट लेट द चांस गो तो वो बोला है कि हम सोच रहे हैं कि ये जो डॉजर्ट है वो हम लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए ये ऑफर दिया हुआ है क्या हमें ये चांस लेना चाहिए ऑनेस्टली बिल सेज आई तो अब राइटर ने कहा हाँ हमको ये लेना चाहिए ही हैज गॉट ऑन माई नेवर्स टू वी विल टेक डॉजर्ट ऑफर एंड मेक आवर गेटवे वो बोल रहे थे हाँ ये हमको लेना ही चाहिए उस डॉजर्ट ने जो ऑफर हम लोगों को दिए थे वो हमको लेना चाहिए और ये गेटवे हमको पसंद है That night, just at the moment when I should have been collecting a ransom, Bill was giving $250 to Dozart. उस night में जब हम लोग ये ransom को collect कर रहे थे और तब Bill ने मुझे $250 दे दिए Dozart के तरफ से. When the kid found out we were going to leave him the first hand himself and tied a leash to Bill's leg, his father प्लीड हिम अवे जब वो बच्चों को हमने फाउंड किया तब हम लोगों ने उसको छोड़ने के लिए गया तब बिल्स के जो लेग है उसके पैर में कुछ लगा और उसका जो फादर है उसको हमने पीछे करने से रोक लिया हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम आस्क बिल बिल ने कहा तुम कितना दूर दौड़ सकोगे आई एम नॉट स्ट्रांग एज आई यूज टू बी उसका पैर में चोट आ गया था इसीलिए वो बोला हम दौड़ नहीं सकेंगे हम उतना स्ट्रांग नहीं है सेज द ओल्ड डॉजर्ट बट आई थिंक आई कैन प्रोमिस यू 10 मिनट्स तो तब डॉजर्ट ने कहा तुम 10 मिनट्स रुको इनफ सेज बिल इन 10 मिनट्स आई शैल क्रॉस द कंट्री तब बिल ने कहा ये 10 मिनट्स में रुकना तो क्या है 10 मिनट्स में हम कंट्री भी क्रॉस कर सकते हैं एंड वी ओवर द कनाडियन बॉर्डर और कनाडियन बॉर्डर को हम क्रॉस कर सकते हैं एंड एज डार्क इट वॉज एंड ए गुड रनर एज आई एम इतना अंधेरे में भी हम बहुत अच्छा रनर है ही वॉज ए माइल एंड हाफ एन आउट ऑफ सुमित बिफोर आई कुड कैच अप विथ हिम ये जो इतना जो माइल है हाफ एन आउट में हम सुमित के आगे उसको कैच कर सकेंगे So after this, thank you.